फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। साल 2022 में वार्षिक औसत सोयाबीन तेल की कीमत लगभग 4% बढ़कर $1425 प्रति टन रहने का अनुमान है, और यह अनुमान एक रिसर्च एजेंसी का है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन की बढ़ती मांग विशेष रूप से एशिया में इस वृद्धि का प्रमुख कारण बन सकता है। 2021 में वार्षिक औसत सोयाबीन तेल की कीमत साल दर साल 65% बढ़कर $838 प्रति टन से $1385 प्रति टन हो गई। सबसे अधिक कीमत 2021 की तीसरी तिमाही में देखने को मिली थी, जब साउथ अमेरिका में कम बारिश, चीन से सोयाबीन की जोरदार मांग और माल ढुलाई की कीमत ज्यादा देखने को मिली थी। 2020 में विदेशों में सोया तेल की खरीदी में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। 2020 में विदेशों में सोया तेल की खरीद 7.5% बढ़कर 13 मिलियन टन हो गई थी। अगर मुद्रा में आकलन किया जाए तो सोया तेल की खरीद लगभग $10.3 बिलियन की बैठती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोया तेल का आयात भारत में होता है, जो कि लगभग $3 बिलियन का होता है। फिर दूसरे नंबर पर चीन आता है, जो $725 मिलियन का सोया तेल का आयात करता है। बात करें अगर निर्यात की, तो निर्यात के मामले में अर्जेंटीना पहले नंबर पर आता है और सोया तेल का लगभग $3.7 बिलियन का निर्यात करता है, और इसकी वैश्विक सोया तेल निर्यात में 39% की हिस्सेदारी रहती है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, इसकी हिस्सेदारी 10% की है और $979 मिलियन का निर्यात करता है। वहीं ब्राजील की हिस्सेदारी 8% की है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भविष्य में सोया तेल की कीमत में तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल पर आत्मनिर्भरता कम करने के लिए ज्यादातर देश बायोफ्यूल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे सोयाबीन की डिमांड आगे भविष्य में बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।